12 दिन में शपथ हुई। कितने दिन में? 13वें दिन कर लेते क्या बिगड़ जाता इनका, 11वें दिन कर लेते। 12 दिन में शपथ हुई, माउस के दिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ। फिर अब क्या मलमास में कैबिनेट होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा? अरे भाई दो मुख्यमंत्रियों को दे दो चार्ज, जिसे ये तो अपना काम करने लग जाए, मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे। जहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहां भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, और जाए भी क्यों नहीं? इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक, इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं, विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सरांखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके। अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में निकल जाएंगे तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ, आप मेरे को सही मान लेना। इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी, धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मोदी जी के कदम नक्शे पे मत चलो। आपको जब बता दिया, और राजस्थान की जनता ने वोट दिए, मोदी जी और अमित शाह जी ने वोट नहीं दिया आपको, आपको राजस्थान की जनता ने वोट दिए हैं, तो राजस्थान की जनता से जो आपने वादे पूरे जो किए हैं उनको पूरा करने में अपने श्रम शक्ति लगाओ, न कि दिल्ली की फेरी लगाने में। हमको कितना कहते थे, कितने चटकारे लेते थे कि मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आला कमान से मिलके आएंगे। इनके तो आला कमान भी 16-17 हो गए, हमारे तो आला कमान तो एक हुआ करता है, इनके तो 16-17 आला कमान है। किस किस के जा रहे हैं, कोई एमपी बना हुआ उसके भी जा रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री है उसके भी जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के भी जा रहे हैं, और मैंने तो सुना लोकसभा अध्यक्ष जी के स्टाफ के भी जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा बहुत तो देखो, राजस्थान की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको मौका दिया है, तो आप इसके लिए कीजिए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि आए और ये मोदी जी के दिल्ली के चक्कर लगाने के बजाय राजस्थान की जनता के भले के लिए कोई काम करें, मंत्रिमंडल गठन करें, विभाग बनाएं, अधिकारियों के जो भी इनको जिनकी भी पोस्टिंग करनी है करें, अस्थाई। हमने तो पहली बार सुना है कोई सीएमओ में भी कोई अस्थाई लगता है क्या? अस्थाई का मतलब है उसको जाके आना, काम कुछ नहीं करना, क्योंकि जब तक उसको स्थायी पावर आप नहीं दोगे तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं को चुस्त दुरुस्त करें, सरकार को अच्छी गति दें, लोगों के जनता के काम करें, और ये जो तानाशाह पूर्वक रवैया है वो मोदी जी को और उनकी सरकार को इससे बचना चाहिए, इससे दूर होकर के सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने के बाद में इनको जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्री जी को कि ये इस तरीके से घटना घटी है और ये दोबारा नहीं घटेगी, आश्वस्त करें, तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र ठीक रहेगा। वैसे ये जो मेवाराम जैन का जो मामला है, कथित सीबीआई, आप तक ये जानकारी आई है? नहीं नहीं, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं वही सब चीजें हैं, इसके अलावा हमारे पास भी कोई इस तरीके की सूचना नहीं।